हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आज के ब्लॉग में ये है कि रमज़ान में हम शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं तो जस्ट 2 मिनट्स में मेकअप कैसे करें और जल्दी जल्दी कैसे करें, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप रोजे से हैं तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले पाउडर। ये देखिए, ये होममेड पाउडर है, ये मैंने है ना संतरों के छिलके से बनाया है। तो चलिए पहले हम इसे अप्लाई कर लेंगे। आप अगर सन क्रीम लगाना चाहते हैं, बाहर धूप में जा रहे हैं, तो आप सन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये होममेड पाउडर को ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए, ऐसे अप्लाई, इसको हमें अच्छे से कवर कर लेना है अंडर आइज़ पे भी। ये देखिए, हम इस पे नोज़ को भी अच्छे से लगा लेंगे, नोज़ पर भी। ये देखिए, तो देखिए ये मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आपको जितनी क्वांटिटी लगे आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, बस मैं तो इतना ही करूँगी। ये संतरों के छिलकों से बनाया हुआ पाउडर है, मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट हम ये होममेड बना हुआ काजल इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल मैंने घर के घी से बनाया है, आप इसको रोज़े में भी लगा सकते हैं, जायज़ है ये बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अपनी आँखों पे लगा लूँगी काजल, तो काजल से आँखें बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ माचिस की लकड़ी का। ये देखिए, ऐसे अप्लाई कर लेंगे हम। ओके, इसको लगाने के बाद हम थोड़ा ऐसे ऐसे रब कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए, मैं इसी से अपनी आईब्रो भी फिल कर लूँगी। चलिए करते हैं। चलिए, मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। अब ये देखिए, ये लिपस्टिक, हाँ ये लिपस्टिक है ज़रूर ये, लेकिन मैंने ही बनाई है। ये देखिए, ये रोज़ की जो पत्तियाँ आती हैं ना, उससे बनाई हुई है। तो चलिए हम इसे अंडर आइज़ तो हमने कवर कर लिया। चलिए, तो हम इसे आई शेडो के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एकदम लाइट पिंक। आप फूड कलर कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने पिंक लिया है, लाइट पिंक। ये देखिए, और इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए, अब इस लिपस्टिक को हम ब्लश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिप पे अप्लाई कर लूँगी बस। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो मस्कारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं लाइनर तो रहने दीजिए, आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि होम में काजल इस्तेमाल कर सकते हैं आप लाइनर के तौर पर। देखिए, डन, कैसा लग रहा है फाइनल टच? थोड़ा फैल गया इधर, ये हम वो डिज़ाइन बना लेंगे। ऐसा लग रहा है काजल थोड़ा बाहर आ गया। चलिए ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस, ये देखिए, सिर्फ मैंने लगाया होममेड पाउडर, लिपस्टिक, काजल। आपको कैसा लगा मेरा मेकअप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से रहें। खुदा हाफिज़।